खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनिया थाना से है, जहां क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खनिया थाना पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज खनिया थाना प्रभारी को उनके मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति अवैध गांजा बेचने की फिराक में ग्राम हीरापुर के पास घूम रहे हैं। खबर मिलते ही थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने तत्काल एक टीम को बताए गए स्थान पर रवाना की। खनिया थाना पुलिस ने मौके पर देखा कि दो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर सफेद रंग की बोरी में कुछ माल लेकर घूम रहे हैं। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को देखा तो भागने का प्रयास किया, लेकिन खनिया थाना पुलिस ने उन्हें घेर लिया और दोनों युवकों को पकड़ लिया। दोनों युवकों के पास से 5.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,10,000 रुपए आकी गई है। साथ ही गांजा बेचने में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिनांक को द्वारा सूचना प्राप्त हुई ग्राम हीरापुर में दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लिए बैठे हुए हैं, तथा बिक्री करने की फिराक में। उक्त सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए, उन्हें घेर कर पकड़ा। एक का नाम विवेक लोधी निवासी गैरेठा, दूसरे का पुष्पेंद्र बंसकार निवासी गैरेठा को उन्हें पाए। तब उनके कट्टे में भरे हुए वस्तु की तलाशी ली गई तो उसमें 5 किलो 500 ग्राम गांजा पाया गया, जो अवैध रूप से था। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। आरोपी विरुद्ध धारा 8/20 NDT के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से अन्य अपराधों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।